सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सचिन राइड्स। एंड टुडे आई केम टू रॉयल एनफील्ड शोरूम। दिस इज़ द देव मोटर शोरूम एंड आई एम टेस्ट राइडिंग दिस बीस्ट मीटियोर 350। सो अभी इसका इग्निशन ऑन करते हैं एंड दैट इज इट, यू आर गुड टू गो। जस्ट टू अपडेट यू दैट आई एम अ शॉर्ट हाइट राइडर। माई हाइट इज़ अराउंड 5'4" और 5'5" एंड look at my feet is touching the ground, both the feet are touching the ground very comfortably. For me the sitting position is also quite comfortable, cushioning on the seat is also very comfortable. Aur ye jo mere paas model hai that is Supernova model of Meteor 350, which is the top end model of this motorcycle. Today I came to the showroom Dev Motors, as I mentioned earlier, and they provided me this vehicle for the test ride. So initial thought on braking, it is quite responsive. अगर आप राइडर पोजीशन से देखोगे तो कंसोल कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, विच लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। मैं अभी फोर्थ गियर पर हूँ और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो वाइजर डाउन कर लेता हूँ पहले। तो मैं अभी 70 की स्पीड पर हूँ और ये स्टिल स्ट्रेच कर रहा है व्हीकल। आई टच्ड 80 एंड आई एम स्टिल ऑन फोर्थ गियर। Now I shifted the gear. Initial pickup is quite good. Trust me, it's quite good. And अभी braking test करेंगे तो instant braking है। So एक मिनट के लिए भी मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं हुआ था braking को लेकर के। This is a 350cc air cooled single cylinder engine. And this is not a UCE engine. सो कंपनी हैज़ डिसकंटिन्यूड द थंडरबर्ड सीरीज एंड उसके रिप्लेसमेंट में ये मीटियोर लॉन्च किया है कंपनी ने, जो कि अभी 350cc वेरिएंट में ही अवेलेबल है। एंड इसका इंजन जो है इट सीम्स क्वाइट रिफाइंड। इसका इनिशियल पिकअप काफ़ी बढ़िया है और एग्जॉस्ट नॉट भी काफ़ी प्यारी है इसकी। आराम से 80 अब मैं पहुंच रहा हूं ये व्हीकल पर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं इसको पहले भी टेस्ट राइड ले चुका हूं जस्ट हाफ एन आवर पहले, बट उस टाइम पे मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया था अनफॉर्चुनेटली। सो फॉर द सेकंड टाइम आई एम टेस्ट राइडिंग दिस व्हीकल जस्ट फॉर यू गाइस। लेट मी अपडेट यू गाइस दैट दिस इज अ वेरी रिफाइंड इंजन। इसका गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है और थ्रोटल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो थ्रोटल रिस्पॉन्स इज ऑल्सो बटरी स्मूथ। अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो तो भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है और इसके जो फुट रेस्ट है, फुट पैक जिसको बोलते हैं, वो भी कंफर्टेबली प्लेस किए हुए हैं, आप देख सकते हो। अभी हम इसको ओवरटेक करते हैं। आपने देखा कि इसका इनिशियल पिकअप इज क्वाइट गुड। आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद द इनिशियल पिकअप, ब्रेकिंग एंड द कंफर्ट ऑफ दिस बाइक। ऑल्सो द गियर शिफ्टिंग इज ऑल्सो क्वाइट स्मूथ। एंड इफ यू टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस, अप टू 80-90 किलोमीटर्स यू वॉन्ट फील एनी वाइब्रेशंस। कि मैं इसको पिछले राइड पे 100 तक लेकर के गया था, 100 क्रॉस नहीं किया था ऑल्दो, बट देर वेर मिनिमम टू नील वाइब्रेशन एट ऑल। आप देख लीजिए इसके मिरर भी इतने वाइब्रेट नहीं हो रहे।
आराम से लेड बैक होके इसको पूरा दिन चला सकते हो। बाइक इतना तो कंफर्टेबल ज़रूर है, और इसका जो कर्ब वेट है इट इज़ अराउंड 190 to 200 kgs, बट व्हेन यू राइड दिस मोटरसाइकिल यू वॉन्ट फील द वेट, बिकॉज जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ क्वाइट गुड। आपको उतना हैवी नहीं लगेगा ये बाइक, एंड यू कैन ईजिली मनूवर दिस बाइक इन सिटी ट्रैफिक एज वेल। बाइक का कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है। सो आई विल डू वन थिंग, अभी मैं कहीं रुक करके आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ एक। सो दिस इज़ द मीटियोर 350, और आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पैर काफ़ी अच्छे से ज़मीन पर है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। हेडलाइट जो है उसके ऊपर एक आपको DRL मिलेगा। कॉन्सोल भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हैंडल भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यू विल फाइंड द अलॉय व्हील्स इन स्टॉक, और अलॉय व्हील के साथ आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिलते हैं, और ये है वो रिफाइंड इंजन जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड इसमें ड्यूअल चैनल ABS भी है, एग्जॉस्ट भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड दिस इज़ द सुपरनोवा वर्जन विच आई एम राइडिंग राइट नाउ। दिस इज़ द कॉन्सोल, बिगर वन इज़ फॉर स्पीडोमीटर, इट ऑल्सो इंडिकेट्स योर फ्यूल, योर गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, ट्रिप, ABS, न्यूट्रल, बैटरी, एंड दिस इज़ द फ्यूल। And if we talk about ball console, here it says the built with Google version, and अगर आप इसको connect नहीं करते हो app के साथ में तो ये आपको time दिखाएगा, and if you connect this with the Royal Enfield app, it will show you the navigation. अभी थोड़ा सा heat होना start हो गया है। Again, if we talk about the handlebar, this time Royal Enfield has given the very comfortable handlebar. यहाँ पे अगर आप देखोगे, I don't know whether you guys can see it or not, तो एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। लीवर्स भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, फिट एंड फिनिश इज़ क्वाइट गुड। सो ओवरऑल अगर मैं अपना थॉट रखूँ तो यही है कि दिस बाइक इज़ क्वाइट गुड। अगर आपके पास पहले कोई रॉयल एनफील्ड का व्हीकल नहीं है, और अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक्स ख़रीदना चाहते हो, तो आई रिकमेंड यू टू कंसिडर दिस बाइक एज वेल। ये बाइक में आपको वो सारी चीज़ें कंपनी फिटेड ही मिलती है जो कि आपको एक लॉन्ग टूर के लिए चाहिए होती है। और एक जो दूसरी खास बात लगी मुझे इसकी, कि इसमें कंपनी फिटेड ही अलॉयज एंड ट्यूबलेस टायर्स है, तो आपको अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप लॉन्ग राइड पर जाते हो तो सबसे बड़ी टेंशन रहती है टायर पंक्चर की। तो ये टेस्ट राइड को मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम अबाउट टू रीच दी रॉयल एनफील्ड शोरूम। सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस engine with this machine.